तोशाखाना केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाइल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे अपने मुतबका फैसले में कहा कि हमारी राय है कि इमरान खान नाइल हैं। पहली बात तो यह है कि फैसला एक्सपेक्टेड था, ख़ास तौर पे जब ये पता चला कि वहाँ किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं। उसके बाद एटलीस्ट आई वॉज 100% श्योर, मुझे ज़िंदगी में मैंने और बहुत कुछ किया होगा, मुझे जूहे छुए से कोई दिलचस्पी नहीं है, कत्तन ही नहीं है, मैं ताश के पत्ते नहीं पहचानता, जैसे मैं क्रिकेट का मुझे नहीं पता होता कितने खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी की भी शर्त लगा लेता कि ये नाइल होने जा रहा है, बिकॉज जो इंतजाम जिस तरह के कर रहे थे वो अच्छा। दूसरी बात यह है, नाहल ये तो वक्त फैसला करेगा कौन अहल है कौन नाहल है। जो पॉपुलर लीडर होता है उससे ये फैसले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप सजाए मौत भी दे दो वो आपकी गर्दन पे अपने आसाब पे आपके आसाब पे सवार रहता है, पहली बात। दूसरा, मैं उस तफसील में नहीं जा सकता, अली जफर हैं, एस एम जफर साहब के बेटे, वो वकील थे, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया अभी मैं टीवी पे सुन रहा था, तो देखने तो वो सुनने के बाद तो बंदे को वैसे ही मतली सी होने लगती है। अच्छा फिर ये है कि अभी इश्के इम्तिहान और भी हैं, आगे फिर अपील है, देखते हैं फाइनली कहाँ कंक्लूड होता है। ये जो बगल बच्चे हैं नून लीग के, वो जश्न मना रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, और अल्लाह ना करे ये स्नोबॉल करे। मैं इमरान से भी यही है, पुराने तल्लुक के हवाले से कहना चाहूँगा, सुप्रीम होती है चीज़ मुल्क वतन धरती, और ये पहले ही उधड़ा पड़ा है ये मुल्क, इसके पहले पल्ले कख नहीं है कोई मिस है अपना हो जाए, और बाकी इस तरह के फैसले आते जाते रहते हैं, मुझे यकीन है। देखिए एक बात अनडिस्प्यूटेड है, क्या आज की तारीख तक पाकिस्तान का मकबूल तरीन पॉलिटिकल लीडर नंबर 1 इमरान खान है, 2 भी वही है, 3 भी वही है। ये जो चपड़ कनातियों के जो फैसले आए हैं 8 नशस्तों पे, तो पहले 6 पे वही है, ठीक है, बाकी 2 की मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कल के अपने ही इसी प्रोग्राम में, सो लेट्स टेक इट इजी। अच्छा।